हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज शारिक अली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्लाई राइट ऑफिशियल। दोस्तों आज के एक और प्रॉपर्टी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज जिस जगह मैं आपको लेकर आया हूँ उस जगह का नाम है एम्बियंस ट्रिप टाउन। जी हाँ दोस्तों, सेक्टर 50 जो कि प्रीमियम लोकेशन है वहाँ पर ही अवेलेबल है। कनेक्टिविटी के बहुत सारे बेटर ऑप्शन है। वैसे मैं एम्बियंस बिल्डर की बात बताता हूँ। एम्बियंस आपने हमेशा सुना होगा गुड़गांव में, क्योंकि एम्बियंस के काफ़ी प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव में। और जो सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने देखा होगा कि एम्बियंस वसंत विहार जो मॉल है या एम्बियंस गुड़गांव जो मॉल है। लेकिन नोएडा में सबसे पहला प्रोजेक्ट है। आज इस प्रोजेक्ट को हम देखेंगे, बात करेंगे मिस्टर सुमित से जो कि न्यू डोर रॉयल्टी से हमारे साथ होंगे इस फ्लैट को दिखाने के लिए। क्या टिकट साइज ऑप्शन है, क्या कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं और क्या क्या आपको मिल जाता है एमिनिटीज में, सब देखेंगे आज एम्बियंस ट्रिप टाउन में मिस्टर सुमित के साथ। हाय, दिस इज सुमित। साइज इज 2548 स्क्वायर फीट, 3 प्लस सर्वेंट। लेट्स हैव अ लुक ऑफ एक्चुअल फ्लैट। We are providing a fully loaded apartment, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। Let's have a look कि हम जब पूरा फ्लैट ऑफर कर रहे हैं तो उसमें आपका इटालियन मार्बल रहेगा, जिसमें elegantly डिजाइन हमने वुडन पैनलिंग फॉल सीलिंग दिया हुआ है। Let's come to living area. Living area is very spacious. 2548 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग हमने लिविंग एरिया काफी स्पेसियस रखा है कि आप इसमें एक्चुअल में एल शेप में पूरा सोफा सिटिंग एरिया कर सकते हैं। वुडन पैनलिंग के साथ में आप अपना टीवी यूनिट इधर लगा सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज की वी हैव टू बालकनीज, रनिंग बालकनीज होगा जो एक लिविंग एरिया के साथ भी आपका फेस करेगा, जिसमें आप 32 एकड़ का मेघदूतम पार्क का व्यू आपका रहेगा। देन एक इंटरनली लश ग्रीन एरिया जो सोसाइटी में हमने प्रोवाइड किया वो आपका रहेगा विद डाइनिंग स्पेस। लेट्स कम टू द फर्स्ट, स्टार्टिंग विद फर्स्ट रूम, जिसमें एंट्री कर फॉयर के साथ में हमने पाउडर रूम स्पेस आपको दिया हुआ है फॉर गेस्ट यूज। एंड ये आपका फर्स्ट बेडरूम रहेगा, एलिगेंटली डिजाइन किया हुआ है बेडरूम, जिसमें हम लोग वार्डरोब स्पेस दे रहे हैं फॉर ब्लैंकेट यूज। एंड इसका जो ड्रेसर रहेगा वो इंटरनल द वॉशरूम हमने ऑफर किया हुआ है। पूरे घर में इटालियन मार्बल ही यूज किया, कहीं पे कोई टाइल वर्क यूज नहीं किया है बिल्डर ने। दिस इज द एक्चुअल वॉशरूम, जिसमें आपका गैबरेट कंपनी का फ्लश सिस्टम लगा हुआ है। अब इस फर्स्ट रूम की हम बात करते हैं, ये जो साइज होगा इसका है 14x11 का, जिसमें हमने वार्डरोब इसमें बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है। तो वार्डरोब आपका रूम में स्पेस नहीं लेगा। इसमें डिजाइन किया हुआ एलिगेंटली कि आपका जो टीवी यूनिट होगा वो सेपरेट रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस इंटरफेस आपका नहीं रहता है। बालकनीज हमने दी है, रनिंग बालकनीज होंगी आपकी, जिसमें साउंड प्रूफ आपका ये पैनल यूज किया है हमने, जिसमें आप जो सामने व्यू देखते हैं ये पूरा लश ग्रीन एरिया 32 एकड़ का पार्क फेसिंग हमारा अपार्टमेंट है। इसमें हम ये और फ्लैट के अंदर पूरा सेंट्रलाइज्ड डक्टिंग एसी हमने यूज किए हुए हैं। डोर हाइट इज 8 फीट, एलिगेंटली डिजाइन किया हुआ है पूरा फ्लैट। किचन साइज इज 12x9। वी आर प्रोवाइडिंग अ फुली लोडेड किचन, जिसमें आपका लोअर कैबिनेट्स विद ऑल फिनिशिंग एंड आपका कवर्ड स्पेस रहेगा, पूरा कंप्लीटली हाइड्रोलिक है। एंड जो इसका अप्लायंसेस हम लोग दे रहे हैं वो फ्रैंकी कंपनी के हैं, जिसमें आपका होब आ जाता है, चिमनी आता है, इवन रेफ्रिजरेटर आपका रहेगा डबल डोर फ्रैंकी कंपनी का रहेगा। एंड इसमें आपको माइक्रोवेव ओवन का प्रोविजन वी आर प्रोवाइडिंग ऑल्सो। सिंक डबल दिया हुआ है बिल्डर ने, काफी स्पेशियस आपका किचन है, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी आपकी मोर देन इनफ होगी जितना भी हमारा रहेगा। और इसमें बेस्ट पार्ट इज की सिंक डबल है, जिसमें आप काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। वी आर प्रोवाइडिंग अ क्रशर ऑल्सो, जिसमें आपका वेस्टेज सप्लाई सारा प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। किचन के साथ में एक यूटिलिटी बालकनी दिया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक। दिस इज द वेट एरिया, जहाँ पे आपका बिल्डर वॉशिंग मशीन भी प्रोवाइड कर रहा है। और ये रनिंग बालकनी है, जिसमें आप इंटरनल लश ग्रीन एरिया आप देखोगे, इंटरनल सोसाइटी का ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रहेगी। किचन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या यूज़ किया है एम्बियंस ग्रुप ने, कि जो हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो ग्लोसी लुक में दिया हुआ है, कि जैसे किचन में हम जो यूज़ करते हैं तो काफ़ी वेस्टेज मटेरियल होता है, जो हमारा टाइल्स वगैरह बिल्डर यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे ग्लोसी लुक में इन्होंने दिया हुआ है, ताकि आप अगर कपड़े मारेंगे सारे चीज़ें आपकी क्लीन होंगे, वॉशेबल हो जाती है ये चीज़। अगेन वी आर एंट्रिंग इन द लिविंग एरिया एंड द डाइनिंग एरिया ऑफ द फ्लैट। डाइनिंग एरिया इज़ वेरी स्पेशियस, कि यहाँ पे हमने एक सेटअप किया हुआ है 6 चेयर का, बट अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा बड़ी फैमिली है 10 चेयर का 12 चेयर का आप लगा दें तो आप यू कैन डिज़ाइन अकॉर्डिंगली। जिसमें बालकनी व्यू हमारा अगेन उस तरफ रहेगा। वी आर हाइड, हमने ये अभी थोड़ा हाइड किया हुआ है हमने कर्टन्स के अकॉर्डिंग, अदरवाइज आपका बालकनी ग्लास व्यू पूरा है, जिसमें आप एलिगेंटली डिजाइन आपको अंदर से व्यू मिलता है। इसमें वुडन पैनलिंग जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरे फ्लैट के अंदर हमने दिया हुआ है, कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज फ्लैट में करने की कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन इन्होंने किया हुआ है, सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रोविजंस आपके सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है। लिविंग एरिया के बारे में हम बात कर चुके हैं, पूरा स्पेशियस है, सारी चीज़ें हैं। अब हम बेडरूम में चलते हैं, सेकंड बेडरूम ऑफ द फ्लैट।
एंट्री के साथ में हमने सेपरेट आपका वॉशरूम दे दिया है अटैच्ड, जिसमें अगेन वही इटालियन मार्बल यूज किया हुआ है, एलिगेंटली डिजाइंड है। एक इस फ्लैट के अंदर दो वार्डरोब स्पेस हम लोग प्रोवाइडिंग हम दो कर रहे हैं, जैसे एक बिहाइंड द डोर हो गया जिसमें एक आपका स्पेस ज्यादा यूज होता नहीं है, बिहाइंड द डोर जनरली हम लोग स्पेस को यूज नहीं कर पाते, तो इन्होंने एक वार्डरोब स्पेस वहां पे दिया है। उसके बाद पूरा बेडरूम आपका रहेगा जिसमें एक कवर्ड स्पेस हमने यहाँ पे दिया है। दिस इज द एक्चुअल वार्डरोब। सबसे अच्छा पार्ट इस फ्लैट का जो होगा, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो वी आर प्रोवाइडिंग अ इटालियन कंसेप्ट ऑफ विंडो कंसेप्ट। बेसिकली इसमें स्लाइडिंग डोर दिया है विद वायर मेश वी कैन यूज, उसको हमने डिजाइन किया है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप अपना स्टडी, ब्रेकफास्ट, सारी चीजें कर सकते हैं, जिसमें आप इंटरनल सोसाइटी का व्यू आप पूरा देख सकते हो सारी चीजें। एंड देन बेस्ट पार्ट की ये जो बालकनी था, रनिंग बालकनी जिसमें हम इंटरनल व्यू देख पा रहे, तो आपका रूम से भी कनेक्टेड रहेगा। ग्लासेस आर साउंड प्रूफ कम्प्लीटली, जैसे हम इसको क्लोज करते हैं तो बाहर का कोई साउंड आपको नहीं मिलेगा सोसाइटी के अंदर या फ्लैट के अंदर, आप बिल्कुल भी फील नहीं करोगे उस चीज को। काफी पीसफुल आपका फ्लैट रहेगा इसका। नाउ वी आर एंटरिंग द मास्टर बेडरूम ऑफ द फ्लैट। अगेन सेम कंसेप्ट होगा इसका, वॉशरूम एंड सारा बिगर साइज में रहेगा, जैसे कि ये पूरा यूज प्लेटफॉर्म हमने दिया है वॉश बेसिन में, और शावर एरिया एंड क्यूबिकल आपका बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। इवन पूरा टॉप तक हमने इटालियन मार्बल इसमें यूज किया हुआ है, जिसमें फॉल सीलिंग डिजाइन सब कुछ आपका रहेगा। अगेन वी आर प्रोवाइडिंग टू वार्डरोब्स हियर। फर्स्ट वन इज बिहाइंड द डोर, जहाँ पे जनरली यूज हम यूटिलाइज नहीं कर पाते एरिया, तो बिल्डर ने उसको वार्डरोब के स्पेस में यूज किया है। देन सेकेंड वार्डरोब इज हियर, दिस इज द एक्चुअल फील ऑफ द वार्डरोब। एंड अगेन वही वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट कि आप अपना ब्यूटीफुली इसको डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ब्रेकफास्ट टेबल हमें लगाना है वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, हमें यहाँ पे चीजें करनी है, तो वो सारे फीचर्स एम्बियंस ग्रुप ने ध्यान रखा है, वो सारी चीजें प्रोवाइड किया। अगेन इसमें भी आपका रनिंग बालकनी रहेगा विद इटालियन मार्बल एंड ऑल। इन द वॉशरूम एरिया वी आर यूजिंग द हेंस ग्रोए ब्रांड एंड कैबिनेट फ्लश सिस्टम, एंड ये भी आपका क्यूबिकल रहेगा पूरा कंप्लीटली, जिसमें हम सारे फिटिंग्स ही ब्रांडेड यूज कर रहे हैं। हाय शारिक, दिस इज द एक्चुअल लॉबी ऑफ द अपार्टमेंट। वी हैव टू फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर, फर्स्ट वन इज देयर एंड सेकंड वन इज हियर। तीन लिफ्ट हमारी रहेंगी पर फ्लोर, जिसमें आपकी दो पैसेंजर्स लिफ्ट होंगी, एंड सेकंड हमारा जो थर्ड लिफ्ट होगा वो आपका रहेगा सर्विस लिफ्ट। एलिगेंटली डिजाइन किया हुआ है, इटालियन के आर्च हमने बनाए हैं, पूरा इटालियन मार्बल ही यूज किया हुआ है पूरा लॉबीज में भी। एंड बेस्ट पार्ट जो होगा आपका इसका, वो चीजें रहेंगी आपका पैसेज की, जो हमने इसमें पैसेज दिया हुआ कम्प्लीटली सेपरेट पैसेज होगा, जिसमें सर्वेंट रूम हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में ही डिजाइन करके सेपरेट दिया हुआ है। ये पैसेज आपका सेपरेट होगा, जो अदर फ्लैट होगा उनका पैसेज डिफरेंट है, तो आप इसको कम्प्लीटली पर्सनलाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर, जिसमें हमारा सिक्योरिटी यहाँ पे थ्री टीयर्स की है, जिसमें मेन गेट पे जब आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले वहाँ पे गार्ड चेक होगा, सेकंड आपका लिफ्ट जिसमें हम कार्ड एक्सेस ऑफर कर रहे हैं, थर्ड वन इज मेन गेट जहाँ पे हम वीडियो कॉलिंग डोर हम लोग सिक्योरिटी लोग ऑफर कर रहे हैं। हाय वेलकम ऑल, सुमित दिस साइड, आई एम ए कंसल्टेंट ऑफ न्यू डोर रियलिटी। मैं सोसाइटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि शारिक जी ने भी बताया था कि एम्बियंस ग्रुप, वॉट इज एम्बियंस ग्रुप, एम्बियंस को अभी तक सब गुड़गांव के नाम से ही जानते हैं, लेकिन नोएडा में ये बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे अपना सोसाइटी लेके आए हैं। सोसाइटी नेम इज एम्बियंस टैवर्टोन, सेक्टर 50 लोकेशन पे ये आती है। सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट इस सोसाइटी का है कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ जो जेंट्री स्पेसिफाइड ये सेक्टर है, बेस्ट पार्ट इसकी इसका कनेक्टिविटी, यहाँ पे आपको ब्लू लाइन एक्वा लाइन दोनों मेट्रो स्टेशन का विद इन अ किलोमीटर में कनेक्टिविटी मिलता है। नियर बाई लोकेशन में आपके तीन एक्सप्रेसवेज आ जाते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, FNG कॉरिडोर जो डायरेक्टली आपको फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए कनेक्टिविटी मिल जाता है। एंड थर्ड चीज आपका जो नोएडा लखनऊ मेरठ एक्सप्रेसवे है, विद इन अ 5 किलोमीटर में यहाँ पे आपको वो चीज मिल जाती है। नियर बाई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स में आपके हैं, कैलाश हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, JP हॉस्पिटल्स हैं, एंड स्कूल्स में शिव नादर, जेनेसिस ग्लोबल, मानव रचना, DPS, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल हेयर। एंड आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा बिल्कुल आप मेन गेट से, इंटरनल सोसाइटी तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, लेकिन जैसे आप गेट से एग्जिट करते हैं मेन गेट के सामने आपको मदर डेयरी एंड नियर बाई सारी बेसिक चीजें आपको वहां से प्रोवाइड होंगी। एंड फ्लैट सोसाइटी के मैं बारे में बात कर लेता हूँ कि कॉर्नर अपार्टमेंट, कॉर्नर सोसाइटी, सारी चीजें बेस्ट पार्ट इस लोकेशन पे एडवांटेजेस रहेंगे आपको। जेंट्री स्पेसिफाइड आपकी ये लोकेशन है, जेंट्री स्पेसिफाइड ये प्रोजेक्ट है जिसमें ओनली 2 साइजेस अवेलेबल होंगे, 2548 दैट इज 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट एरिया।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही जेंट्री स्पेसिफाइड है बिकॉज इसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं। 250 अपार्टमेंट्स ओवरऑल हमने सोसाइटी में दिया है जिसका स्टार्टिंग प्राइस जो है 2.5 सीआर रहेगा, वो 3 बेडरूम का है और जो हमारा 3.5 करोड़ रुपए हमने 4 बेडरूम का लगाया। 4 बेडरूम इज कम्प्लीटली सोल्ड बट प्राइजेज आर नेगोशिएबल ऑल्सो। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि इस वीडियो में हमारी मिसिंग रही हैं या मैं कुछ सजेशन फीडबैक आप देना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी होगी तो आपका बिलो द लिंक जो हमारी चीज़ें यहाँ पे नंबर मेंशन है उस पर आप हमें एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।